हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस में आप सभी लोगों का वेलकम है। देखते हैं मंडे को मार्केट किस साइड जाएगा। वैसे जो आज का टॉपिक है कि मार्केट जो है बुलिश की तैयारी कर रहा है फिर से, लेकिन एक बार मैं आप लोग को इधर दिखाता हूँ कि हम लोग का अगर टॉपिक इस टाइप का है तो इस तरह का टॉपिक आज का क्यों है और मुझे क्यों लगता है कि मार्केट अब बुलिश की ओर जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं गाइस, तो बैंक निफ्टी में श्योर एंड शॉर्ट सिंपल एक हमें चीज़ मिल रही है। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास एक ये लेवल है, ये अपसाइड का लेवल है 47,780 के अराउंड का है। अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर डेफिनेटली फिर ये अच्छा खासा जा सकता है अराउंड दिस लेवल 48,500 के आसपास। एंड अगर मार्केट नीचे के साइड जाता है, वैसे नीचे के साइड जाएगा थोड़ा सा, एक बार रिटेस्ट करेगा क्यों, उसका रीज़न ये है कि नीचे से एक आप देख सकते हैं प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देख सकते हैं ये पूरी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। और अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास भी आता है तो एक बार रिटेस्ट करेगा, एंड जहाँ तक है अराउंड दिस लेवल आएगा, इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट देता है तो वो भी एक सिंपल सी एक चीज़ है, तो फिर इसका जो लेवल होना चाहिए या टारगेट होना चाहिए वो अराउंड ये होगा। एंड वैसे चांसेस ये है कि इसका ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। एंड जो भी है कि मुझे मार्केट ऐसा लगता है कि अराउंड फ्लैट ही खुलेगा, थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा, तो यहाँ पे एक बार रिटेस्ट कर सकता है, फिर अपसाइड ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से यहाँ एक बार रेसिस्टेंस होगा, एंड अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ तक जा सकता है। तो ये तो बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब हम लोग एक बार देखते हैं निफ्टी के अंदर कि निफ्टी के अंदर किस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना चाहिए। तो उसके अंदर भी हम लोगों को देख सकते हैं, इसके अंदर भी ट्रेंड लाइन ही आ रही है सिंपल सी, एंड ये इसको अगर ब्रेक करता है तो जो हमारा लेवल है एक ये लेवल तक आना चाहिए, एंड यहाँ पे आके ये शायद रिटेस्ट करेगा, एंड अगर इसको ब्रेक करता है, ये रेसिस्टेंस है, तो फिर हमारा एक ये टारगेट हो जाएगा। जो टारगेट होगा वो अराउंड ये होना चाहिए हम लोग का 22,325 का, 25 का एक ये लेवल होना चाहिए। एंड अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर हमारा एक ये टारगेट होगा अराउंड दिस लेवल का। एंड आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम के अंदर, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।